पारिक भाई 10 मिनट। अबे उसके दांतों से बोतल खोल दी उसने। अबे इसके दांत सिर्फ बोतल खोलने के काम नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजों में काम आ सकते हैं इसके दांत। कपड़ा कुतरने में भी काम आ सकते हैं, जो कैंची से कपड़ा काटते हैं ना लोग, ज्यादा टेलर को देखा हुआ ऐसा करके ढर्र काटते हैं इसको, तो ऐसे पूरा ही काट देगा ये कपड़े को। और भी बहुत सारी चीजों के काम आ सकते हैं, और भी चीजें खोलने के काम आ सकते हैं, नट खोलने के भी काम आ सकते हैं, दांतों से नट भी खोल देगा ये। Hey, y'all, come look at this. ये भाई होते हैं, थाईलैंड में रहते हैं आप? हाँ, मैं मलेशिया में। मलेशिया में रहते हैं आप? थाईलैंड में कहाँ पे होते हैं आप? ओ सॉरी, मलेशिया में। हाँ, मलेशिया में पेनंग के अंदर। मलेशिया में पलंग पे। थाईलैंड बोल रहा है, फिर कह रहा मलेशिया, फिर कह रहा पलंग पे। ये पलंग पे पता नहीं ये रहता है कि सोता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने बहुत सारी गैदरिंग देखी होंगी, बहुत सारी बैठकें देखी होंगी, उन बैठकों में मस्ती मजाक ये सब कुछ होता है। ये वीडियो भी फुल मस्ती मजाक पे होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर ये दो शपाटर ऐसे हैं जो किसी को भी कहीं भी बैठ करके गंदा कर देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आज इनको मैं जरा इनको रॉस करता हूँ। तो आप जरा देखें, मजा आएगा आपको ये वीडियो देख के, इनकी वीडियो देख के आएगा। ये भी अपनी तफरी में मस्ती में मगन है, और हम भी जो वीडियो बना रहे हैं वो भी मस्ती से भरपूर वीडियो है, हम भी अपनी मस्ती में मगन है। तो ये देखिए वीडियो आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा डेयरिंग एडवोकेट को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छे आजकल के कहाँ जा रहे हैं ये? इतनी मतलब बड़े छोटे की इज्जत नहीं है, कहाँ जा रहे हैं बेटा? इनके घर। अब ये इंटरव्यू वाले भाई कह रहे हैं कि ये आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो वो जो सामने बंदा बैठा हुआ था ना, तो उसको बोल दिया इसने कि इनके घर। वो बेचारा ऐसे बैठ गया कि यार बीच में प्रोग्राम का हिस्सा बन गया, इसने उसकी भी वाट लगा दी। तो इतना खतरनाक बच्चे हैं ये दोनों के दोनों। इस उम्र के अंदर बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, माँ बाप की लापरवाही का नतीजा है। ये छोटा नहीं है, बच्चा नहीं समझना आप इसको, लगता था बच्चा ही है। टिक्की पे उम्र क्या आपकी? उम्र शादी वाली है, आ जाओ। इंटरव्यू वाला भाई कह रहा है कि ये बच्चा नहीं है, जो हम भी यही कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं है। तो साथ में बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है बच्चा है। अब वो उसने जवाब दिया है कि शादी वाली उम्र है, मुझे साथ ले जाओ। अबे इतना सा है ये, इसके दांत इतने खतरनाक है, इसको लेके कौन जाएगा अपने साथ? ये तो कुतर देगा नीचे से लेके ऊपर तक उसको भी। किसी लड़की को किस करेगा? किस करने से पहले इसकी नाक आएगी या दांत आएंगे? इसका जवाब अवेश जीवा खुद देंगे। क्या आएगा? मैं बोलता हूँ पहले दानियाल भाई के घर से रिश्ता आएगा। ये बात अब भाई ना नाक आएगी ना कुछ आएगा, सिर्फ दांत ही दांत आएंगे। वो जब ये किस करेगा, मैं जवाब देता हूँ मैं इसका, ये जब किस करेगा तो इसके दांत ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। इतने बड़े बड़े दांत देकर के ये किस करेगा तो उसको मुंह ही काट देगा ये। घर से दानिया को काउंटर कर लिया इसने दोबारा से, और दानिया को क्या जरूरत थी सब दोबारा से इसको पंगा लेने की? ये पंगे ले रहा है और गंदा हो रहा है, पंगे ले रहा है और गंदा हो रहा है ये बार बार। ये आपके बड़े भाई हैं, सही है? अरे ये मेरे भाई है, अगर ये मेरे भाई भी होते ना तो अब्बा को मौके बार बार से पहले ही रोक देता। ये कह रहा है कि मैं, मेरा अगर ये बड़ा भाई होता तो मैं ये मौका वारदात होने ही नहीं देता। सोच देखे इसकी कहाँ जा रही है, कहाँ चली गई सोच इसकी। इसकी सोच वहां चली गई जिसमें, जिस उम्र में जाके इंसान सोचता है ना पहला बच्चा कैसे होगा, तो ये तो पहले से इसको सब कुछ पता है भाई। ये तो फुल अल्टर हुआ हुआ है कि दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अभी इतना सा ही है, अभी अगर 10 साल के बाद इसके ऊपर और पानी छड़का जाएगा तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ये मकसद कहने का ये है कि ये तो वारदातों के बारे में भी इसको मालूम है सारी, तो वारदात किस तरीके से हुई थी और किसने की और कैसे हुई और किस तरीके से हुई, सारी वारदातों के बारे में मालूम रखी भी इसने। जाओ KG2 में जाके पेपर दो, सही ABCD पढ़ के, आप इधर क्रिकेट की बातें ना करो, से खामोश होके बैठा, आवाज ना आया अभी तेरी। ट्यूशन आपके घर से लूंगा, लेकिन ट्यूशन आपके घर से लूंगा मैं। अब ये कितना आगे टू टाइम फास्ट है, मतलब बहुत सवाल से पूरा जवाब, बड़ा तेज है भाई तेरा। तू जहाँ जाएगा ना ट्यूशन पे भी जे चला गया ना, तो तू उल्टा उनको ट्यूशन ही पढ़ा के आ जाएगा, इतना तू खतरनाक है। इस जैसे जो बच्चे हैं ना वो मैं हर हफ्ते गटर में भा देता हूँ। मुजरिम हूँ जमाने का। तो
भाई तू मुजरिम जमाने का नहीं है, मुजरिम तू यूं कि इनके साथ बैठ क्यों गया तू? है भाई वो बैठ क्यों गया इनके साथ? तू बैठा था किसी के चक्कर में लिट्टो खेलने के लिए, तो तू उस चक्कर में बैठा और तू और गंदा हो गया, और उस पर भी जो गाना गाया उस पर भी इसने इसके हटा दिया। ये बड़े होंगे ना क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। बड़े होके दूल्हा बनेंगे बाप बनेंगे? कह रहा है बड़े होके दूल्हा बनूंगा और बाप बनूंगा। अभी से ये तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं दूल्हा और बाप बनने की तैयारी में है। ये इतना सा है ये पिद्दा सा, ये 10 साल के बाद सब है, ये तो अभी से बन जाएगा दूल्हा। ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है 7-6 महीने की कहानी है, ये दुल्हन लेके घूम रहा हूँ अपने साथ, और इसकी जो दुल्हन होगी ना वो भी इसी की तरह शपाटर होगी। कोई जिस तरीके से ये शपाटर है ना ये दुनिया में बैठ करके जो ये काउंटर करता है, और जिस तरीके से ये रगड़ा लगाता है ना लोगों का, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। मकसद कहने का ये है कि बच्चा है ना, अब बच्चा समझ के हम भी सुन रहे हैं इसकी बात, लेकिन हम तो फिर भी साथ किसके खड़े हैं? दानियाल के। एक बंदे की सारे ले रहे हैं, हमने कहा हम खड़े होते हैं दानियाल के साथ। पता चलता है आपके अब्बा वारदात कर रहे हैं इस वक्त, ये दोनों के बीच में सोते हैं। तो वारदात पे ये रोक देता। अच्छा इसको कैसे पता चला कि ये बीच में सोता है? ये बच्चा आपको कैसा लग रहा है? ये बच्चा मुझे पता है क्या लग रहा है, इसको ना बोर्नविटा की जरूरत है। आप साथ आ जाओ, एक और बोर्नविटा पिलाने वाला ले आऊंगा। जवाब देते हैं कि सामने वाले की तबीयत भी हरी भरी कर देते दोनों के दोनों। एक शेर आया है, सुनाओ सुनाओ। अभी दानियाल भाई के अंदर गया, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। अब दानियाल का पेट देख के शेर थोड़ी आवा, मतलब बहुत सारी चीजें चली गई है पेट में भाई उसके शेर से, तो बहुत सारी शेर हाथी घोड़ा गेंडा पता नहीं क्या क्या चले गए उसके पेट में। भाई फारिक भाई 10 मिनट। अब क्या जरूरत थी तुझे इनके सामने ये गाना गाने की? क्या जरूरत थी? तुझे को पता है कि कितना खतरनाक बच्चे हैं? फौरी तौर पर उसने उसको काउंटर कर दिया करके, तो भी उसकी आवाज निकाल दी फौरन। दानियाल को तो इन्होंने ऐसा काउंटर कर रखा है कि बेचारा वो बैठ के फंस गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।